डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज तारीख है 27 जून 2019 और ये एपिसोड नंबर है हमारा 334th। ये हमारी एपिसोड संख्या है। आपको बताना चाहूंगी कि हमारे चैनल्स हैं पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। अगर अभी तक आपने इनको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। रोज सुबह 4 बजे करंट अफेयर्स का ये जो वीडियो है हमारे चैनल्स पर अपलोड कर दिया जाता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी ओर से कोई भी एक भी अपडेट जो है वो मिस ना करें। ये हमारी वेबसाइट है ssccgilpinnacle.com एंड baljeetdhaka.com। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पहले प्रीवियस क्विज के दोनों क्वेश्चंस ले रही हूं। यहां पूछा गया है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 26 जून को। और दूसरा प्रश्न है 2026 शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा। मेजबानी करेगा इटली। ये हमारे प्रीवियस क्विज के क्वेश्चंस थे। और अब आज का पहला प्रश्न देखो। यहाँ पूछा गया है जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2019 रेडिंग अवार्ड ये किसने जीता है। ये पुरस्कार जीतने वाले हैं रचना खेरा। रचना खेरा ये इसका आंसर है। मैं आपको इनकी तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इनकी तस्वीर है। द ट्रिब्यून न्यूज सर्विस की रचना खेरा ने जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2019 रेड इंक अवार्ड जीता है। यह पुरस्कार उन्हें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के कामकाज और आधार डेटा को बेनकाब करने के लिए दिया गया है। रचना खेरा द्वारा की गई जांच ने पुष्टि की थी कि लाखों नागरिकों का जो व्यक्तिगत डेटा है और उनका जो पैसा है उसको हैक किया जा सकता है और कारोबार किया और उनके कारोबार वगैरह को खतरा हो सकता है। फिर बाद में उनके द्वारा दिए गए कई सबूतों के आधार पर जनहित याचिकाएं वगैरह भी जो हैं दायर की गई थी। तो ये थी जानकारी रचना खेरा के बारे में और उनको जो पुरस्कार मिला। चलिए आपको बताना चाहूंगी कि जितने भी स्टूडेंट्स ने SSC CGL टीयर 1 मैचअप परफॉर्म किया है और उनको उम्मीद है कि टीयर 2 के लिए उनकी कॉल आएगी, वो हमारा SSC CGL टीयर 2 का जो जॉब अश्योर प्रोग्राम है उसको जरूर जरूर ज्वाइन करें। ये प्रोग्राम आपकी मदद करेगा कि टीयर 2 में आपके 400 में से 308 नंबर जो हैं वो जरूर आएं। ये अंक आप जरूर सुनिश्चित करें। ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव डे वाइज प्रोग्राम होता है। हर दिन आपको क्या पढ़ना है उसका पूरा शेड्यूल आपको भेजा जाता है इंग्लिश और मैथ्स के लिए। अगर आप दोनों सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ना चाहते, केवल मैथ या केवल इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि आप हमारे दोनों जो अम्ब्रेला प्रोग्राम्स हैं जो सब कुछ कवर करते हैं, ऑनलाइन कोचिंग कोर्स टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 के लिए 2019-2020 के लिए, और हार्ड ड्राइव कोर्स जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिक्कत होती है 2019-2020 के लिए, आप इनको ज्वाइन करें ताकि आप 2 सालों के लिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। इसके अलावा टीयर 2 के लिए टेस्ट सीरीज भी हैं विद वीडियोज, टेस्ट सीरीज विदाउट वीडियोज। काफ़ी डिटेल्स जो हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स की आपको यहाँ स्लाइड पर दी गई। यहाँ प्रश्न पूछा गया है अनुपम खेर की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। अनुपम खेर जी ने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है, आप बताइए कि उसका शीर्षक क्या है। ये उनकी आत्मकथा है। आंसर यहाँ पर होगा लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। ये इसका उत्तर हो है। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली का मतलब है वो सारी बातें जो मुझे जीवन ने सिखाई बिना जाने। तो बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर जो है ये उनकी जीवनी पर आधारित है, उनकी आत्मकथा है। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने अपनी आत्मकथा लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली को पूरा कर लिया है। ये जो पुस्तक है इसको पेंगुइन हाउस जो है भारत में वो प्रकाशित करेगा। पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित की जा रही है। अनुपम खेर को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार, 8 फिल्मफेयर पुरस्कार और 1 BAFTA नामांकन के ये विजेता हैं। इन्हें 2004 में पद्मश्री और पद्मभूषण 2016 में दिया गया था। ये जानकारी थी अनुपम खेर के बारे में। अब देखो मैं आपको थोड़ी और जानकारी देती हूँ कि इनकी एक और पुस्तक है अनुपम खेर की जिसका नाम है द बेस्ट थिंग अबाउट यू। ठीक है, क्या नाम है? द बेस्ट थिंग
अबाउट यू इज यू, ठीक है, ये इनकी पुस्तक है, ओके। और अब मैं पुस्तकों से संबंधित कुछ आपको रिविजन क्वेश्चन करा रही हूँ जो मैंने अपने वीडियोज में कवर किए हैं। माई लाइफ माई मिशन, ये बाबा रामदेव के जीवन पर पुस्तक है। नई दिल्ली षड्यंत्र, ये मीनाक्षी लेखी ने लिखी है। और दोपहरी, ये पंकज कपूर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पंकज कपूर भी जो है बॉलीवुड एक्टर है। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस की थीम क्या है। ये प्रश्न तीन है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस की थीम क्या है। यहाँ पर थीम है लैंगिक समानता के साथ बोर्ड पर हूँ, मैं लैंगिक समानता के साथ बोर्ड पर हूँ, आई एम ऑन बोर्ड विद जेंडर इक्वालिटी। ये देखो, ये इससे संबंधित एक तस्वीर है। 25 जून को पूरे विश्व में सी फेरर डे, मल्लाह दिवस या नाविक डे मनाया जाता है। सी फेरर 2019 के दिन की थीम क्या है, मैं लैंगिक समानता के साथ बोर्ड पर हूं। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO समुद्री दुनिया की ओर हर किसी का ध्यान आकर्षित कर रहा है और इस वर्ष की थीम लैंगिक समानता के समर्थन की घोषणा करती है। IMO का मुख्यालय कहां है, IMO का जो मुख्यालय है वो लंदन में है। ये हमारा प्रश्न था, चलिए अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा गया है, किस शहर में वॉर थिएटर बनाकर भारतीय वायुसेना ने कारगिल युद्ध के 20 साल पूरे होने पर श्रद्धांजलि दी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और आंसर यहाँ पर ग्वालियर होगा, आंसर भी है। भारतीय वायुसेना कारगिल युद्ध के 20 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। 1999 में टाइगर हिल पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को हराकर भारतीय वायुसेना ने जाबाज जवानों ने कारगिल पर फतह हासिल की थी। कारगिल युद्ध के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय वायुसेना के द्वारा जो मध्य प्रदेश का ग्वालियर एयरबेस है उस पर परेड के माध्यम से युद्ध के शहीद जवानों को याद किया गया। और इसी मौके पर जो ग्वालियर एयरबेस पर टाइगर हिल हमले का यहां पर उन्होंने रिक्रिएट भी किया और यहां ऑपरेशन विजय के माध्यम से कारगिल युद्ध के बारे में बताया गया। तो ये थी जानकारी प्रश्न 4 के बारे में। यहां पर आप इससे संबंधित तस्वीर देखिए और इस आयोजन में जो मुख्य अतिथि थे वो थे BS धनोआ, जिनको आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, पूछा गया है कि नीति आयोग के जो स्वास्थ्य सूचकांक है, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा अस्वस्थ है। ये हमारा प्रश्न 5 है, उत्तर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सी होगा, उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा अस्वस्थ है। नीति आयोग राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के दूसरे संस्करण के अनुसार उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा अस्वस्थ है। केरल नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में स्वास्थ्य प्रदर्शन में आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर है। ओके, आंसर यहाँ पर क्या है, आंसर यहाँ पर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 के लिए उत्तर प्रदेश है जो सबसे ज्यादा अस्वस्थ है। हालांकि जो वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में हरियाणा, राजस्थान और झारखंड जो हैं, ये तीनों राज्य जो हैं ये शीर्ष पर हैं। इन्होंने पिछले स्वास्थ्य सूचकांक की तुलना में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश हमारा यहाँ पर आंसर होगा। ये देखिए, ये प्रश्न 5 से संबंधित एक तस्वीर दिखा रही हूँ और यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से लिखा हुआ देख रहे हैं, हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया। अगले प्रश्न पर चलती हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। गुवाहाटी में प्रसिद्ध अंबुबाची मेले का उद्घाटन किसने किया है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। आंसर होगा यहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर बी है। गुवाहाटी जो है, गुवाहाटी में वहां पर कामाख्या मंदिर में वार्षिक रूप से अंबुबाची मेले का उद्घाटन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जो है वहां पर सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इस मेले का उद्घाटन किया। इस मेले को पूर्व के महाकुंभ के रूप में भी जाना जाता है और इस मेले का आयोजन देवी की वहां पर जो देवी है मंदिर की, उनके लिए ये जो आयोजन है ये किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर यहाँ पर क्या है, आंसर यहाँ पर बी है, 4 दिनों का ये मेला होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो किस प्रकार से मेले का उद्घाटन कर रहे हैं। आ गए हैं हम प्रश्न 7 पर, भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। आपको बताना है भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक कौन है। भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक जो हैं उनका नाम है
कृष्ण स्वामी नटराजन, ये आंसर होगा कृष्ण स्वामी नटराजन जो है ये इसका राइट आंसर है। मैं आपको इनकी तस्वीर दिखाती हूँ, ये देखिए ये इनकी तस्वीर है। जो कृष्ण स्वामी नटराजन है उनको भारतीय तटरक्षक के अगले महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे राजेंद्र सिंह की जगह लेंगे जो 3.5 साल से सेना निवृत्त है। और अतिरिक्त महानिर्देशक के नटराजन ने विभिन्न महत्वपूर्ण कमान और कर्मचारियों की नियुक्ति की है। 18 जनवरी 1984 को तटरक्षक बल में वो शामिल हुए थे। तो ये थी जानकारी इनके बारे में। आ जाइए अगले प्रश्न पर, मैं ले आई हूँ आपको प्रश्न 8 पर। विश्व बैंक ने शहरी सेवाओं के लिए $147 मिलियन के ऋण समझौते को किस राज्य को मंजूरी दी है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। अब यहाँ पर आंसर है विश्व बैंक जो है उसने झारखंड के लोगों को बुनियादी शहरी सेवाएं प्रदान करने के लिए $147 मिलियन के ऋण समझौते की मंजूरी दी है। उनका उद्देश्य राज्य की शहरी स्थानीय निकायों की प्रबंधन क्षमता में सुधार करना है। वर्ल्ड बैंक ने बुनियादी शहरी सेवाएं प्रदान करने के लिए नगरपालिका क्षेत्र की क्षमता में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आंसर क्या है यहाँ पर हमारा, प्रश्न 8 के लिए आंसर जो है हमारा वो है झारखंड। ओके, अब झारखंड मैंने अक्सर आपको अपने वीडियोस में और दिखाया है और झारखंड के बारे में बताया है। आज आप मुझे झारखंड के चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए, आप मुझे झारखंड के गवर्नर का नाम बताइए और झारखंड में लोकेटेड कोई भी एक नेशनल पार्क जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। और अब आप आ जाएं अगले प्रश्न पर, ये है हमारा प्रश्न 6। यहाँ पर पूछा गया है आपसे मॉरिटानिया के नए राष्ट्रपति कौन है। अपने हाल ही के वीडियोस में मैंने आपके साथ कवर किया था कि मॉरिटानिया में 60 सालों में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव तो हो गए और उसमें वहां पर एक व्यक्ति ने 52% वोटों से जीत हासिल की है। आप उनका नाम बताइए, उनका नाम है मोहम्मद औलद गजौनी, ये उनका नाम है, आंसर डी है। उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में एक देश है मॉरिटानिया और उसके पूर्व महासचिव और रक्षा मंत्री का जो चुनाव की हुआ वहां पर, और वहां पर इन्होंने जो है मोहम्मद औलाद गजौनी ने इन्होंने वहां पर चुनाव जीत लिए हैं। लगभग 60 साल पहले अफ्रीकी देश जो है फ्रांस से इसको आजादी मिली थी और पहली बार उत्तर पश्चिम अफ्रीका का ये जो देश है मॉरिटानिया यहाँ पर चुनाव हुए। मोहम्मद औलाद गजौनी की मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ, ये इनकी तस्वीर है। आ गए हैं हम अंतिम प्रश्न पर, 10वें प्रश्न पर। शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने उत्कृष्ट कलात्मक उपलब्धि पुरस्कार जीता है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है और आंसर यहाँ पर होगा हमारा वैल मरंगल। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर यहाँ पर भी है वैल मरंगल। डॉक्टर बीजू द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म वाइल मरंगल, ओके, इसने 22वें शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में उत्कृष्ट कलात्मक उपलब्धि पुरस्कार जीता है। यह महोत्सव में एक प्रमुख पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। और फिल्म किस बारे में है, फिल्म एक दलित परिवार के बारे में है जो मूल रूप से केरल पर है, लेकिन वहाँ पर एक बड़ी बाढ़ में उनका सब कुछ खो जाता है और उसके बाद वो रोजी रोटी की तलाश में हिमाचल पहुँचते हैं और वहाँ एक सेब के बाग में काम करते हैं। आप देखिए फिल्म से संबंधित ये एक तस्वीर है। और अब मैं आपको ले आई हूँ समरी कीवर्ड्स पर। समरी कीवर्ड्स के माध्यम से पूरे का पूरा वीडियो जो है बहुत ही तेज गति से आपका रिवाइज हो जाता है। चलिए समरी कीवर्ड शुरू करते हैं। रेड इंक अवार्ड फॉर जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2019 मिला रचना खेरा को। ऑटोबायोग्राफी है अनुपम खेर की जिसका नाम है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेयरर इसका थीम था आई एम ऑन बोर्ड विद जेंडर इक्वालिटी। IAF जो है इन्होंने कारगिल युद्ध को जो 20 साल पूरे हुए उसमें इन्होंने ग्वालियर जो है, ओके, ग्वालियर आपने जरूर सुना होगा, MP में है ये, तो ग्वालियर जो है वहां पर इन्होंने सेटअप किया, वहां पर इन्होंने वॉर थिएटर बनाया है। भारतीय वायुसेना ने कारगिल युद्ध के 20 साल पूरे होने पर वहां पर जो सैनिक थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वॉर थिएटर बनाया ग्वालियर में। सबसे अस्वस्थ राज्य है यूपी नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स के अनुसार। अंबुची मेला गुवाहाटी में
आयोजित हुआ। सर्बानंद सोनवाल जो है उन्होंने वो इस मेले का उद्घाटन उन्होंने किया है। न्यू डायरेक्टर जनरल बने इंडियन कोस्ट गार्ड के कृष्णा स्वामी नटराजन। वर्ल्ड बैंक जो है 147 मिलियन डॉलर्स का लोन देगा झारखंड को वहां पर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। नए राष्ट्रपति बने मोटियानिया के मोहम्मद औलद गजौनी। आउटस्टैंडिंग आर्टिस्टिक अचीवमेंट अवार्ड मिला इस फिल्म को वेल मारांगल को शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ये थे हमारे समरी कीवर्ड्स और अब मैं आपको ले आई हूँ क्विज फॉर द डे पर। क्विज फॉर द डे में हमेशा मैं आपसे दो प्रश्न पूछती हूँ और आपको फिर उत्तर देने के लिए कहती हूँ। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर, अनुपम खेर की आत्मकथा का शीर्षक क्या है, टाइटल बताइए उनकी बुक का। और दूसरा है, भारतीय तटरक्षक के नए महानिर्देशक के रूप में किसको नियुक्त किया है, ये प्रश्न दो है। और प्रश्न तीन ये है कि अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2019 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। ओके, सभी आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ अगर आपको लगता है आपके जॉब श्योर में आपको लगता है कि आपको टीयर टू की कॉल आएगी और आपका टीयर वन अच्छा हुआ है तो हमारा जॉब श्योर प्रोग्राम SSC CGL टीयर टू के लिए वो जरूर ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, ऑल द बेस्ट। चैनल को देखते रहिए, करंट जी के इंप्रूव करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।